बेसिक शिक्षा विभाग की जनपद स्तरीय गणित विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कलेक्ट्रेट के मुशायरा ग्राउंड में आयोजित कराया गया, जिसमें मुरादाबाद जनपद के 9 ब्लॉक एवं 2 कस्तूरबा गांधी के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वेस्ट मटेरियल से अनेक प्रकार के मॉडल बनाए गए, जिसमें समाज में जागरूकता के संदेश भी दिए जा रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला अधिकारी प्रशासन ने पहुंचकर सभी बच्चों की प्रतिभा को देखकर उनको खूब सराहा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार का यह कहना है कि नई तकनीक के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए और साथ ही बच्चों की प्रतिभा को देखकर उनकी और हौसला अफजाई की जाए, इन्हीं उद्देश्य को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 29/2/2020 को मुशायरा ग्राउंड कलेक्ट्रेट परिसर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जनपद स्तरीय विज्ञान गणित मॉडल प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर पर विजयी प्रतिभागियों एवं कस्तूरबा विद्यालय मुंडा पांडे एवं बिलारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ अपर जिलाधिकारी प्रशासन लक्ष्मी शंकर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कस्तूरबा गांधी विद्यालय बिलारी एवं मुंडा पांडे द्वारा की गई। जनपद स्तरीय विज्ञान गणित क्विज प्रतियोगिता में 33 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें कुमारी पिंकी कस्तूरबा गांधी विद्यालय प्रथम स्थान, कुमारी सादिया कस्तूरबा गांधी विद्यालय द्वितीय स्थान एवं कुमारी सना जूनियर हाई स्कूल साहू नगला मुरादाबाद तृतीय स्थान पर रहे। जनपद स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता में 44 बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें राम कंपोजिट रसूलपुर गुर्जर छजलैट प्रथम, कुमारी आमना परवीन जूनियर हाई स्कूल राजपुर केसरिया द्वितीय स्थान एवं सानिब कंपोजिट नकटपुरी कलाकृति स्थान पर रहे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन लक्ष्मी शंकर जी के द्वारा बच्चों के बनाए गए मॉडल्स की प्रशंसा की गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार द्वारा बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों का उत्साहवर्धन किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों से मुरादाबाद जनपद को राज्य स्तर पर पहचान मिली है। विज्ञान की प्रदर्शनी है जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कराई गई है, विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और अपने द्वारा बनाई हुई प्रदर्शनी है इनकी, जो कि सेल्फ मेड है, छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बच्चे जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, आजकल रेन हार्वेस्टिंग है, जल संचय है, सौर ऊर्जा का कैसे उपयोग करें, हमारे पास जो बच्चे पुराने कपड़े हैं उनका कैसे उपयोग करें, हमारी वेस्ट मटेरियल है उसका कैसे उपयोग करें, इस सब चीज़ों को बच्चों ने सीखा है और बाखूबी से इसको किया है। और मैं समझता हूं कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो हमारे शिक्षकों ने प्रयास किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और जो बच्चों ने प्रयास किया है, सीखा है, उसके लिए भी मैं संबंधित को आभार व्यक्त करता हूं और बच्चों के जीवन में ये सीख उनके जीवन में जरूर काम आएगी। कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सर्वेश शर्मा, महामंत्री महेंद्र सिंह, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रवेश उपाध्यक्ष रविंद्र पाल सिंह, जिला संयोजक चंद्रवीर सिंह, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष शांति भूषण उपस्थित रहे। विज्ञान गणित मॉडल्स की निर्णायक समिति में अजय विक्रम सिंह प्रवक्ता, डाइट कांट मनोज प्रभाकर, विज्ञान पार्कर इंटर कॉलेज मुरादाबाद एवं सुरेंद्र वर्मा, जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद शामिल रहे। गणित विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में ओमेंद्र त्रिपाठी खंड शिक्षा अधिकारी मुंडा पांडे, प्रेम सुख गंगवार खंड शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद, नगर शिक्षा अधिकारी मीना मनराल, जिला समन्वयक प्रशिक्षण देवेंद्र कुमार, सचिन शुक्ला SRG मुरादाबाद निर्णायक समिति में शामिल रहे। मंच संचालन SRG डॉक्टर
रितु त्यागी, एसआरजी संजय विशाल, अमित सक्सेना एवं दिवेश कुमार चतुर्वर्ती द्वारा किया गया प्रदर्शनी की व्यवस्थाओं में विशिष्ट सहयोग जयपाल सिंह व्यस्त एवं आदर्श त्यागी द्वारा किया गया। ये बेसिक शिक्षा विभाग की राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी है। इसमें जो हमारे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सीखने के लिए उनको कैसे अच्छे ढंग से विज्ञान, गणित और अन्य चीज़ों में जो भी सीखने के लिए जो नई नई चीज़ें बनाती जाती हैं, नई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो मॉडल के माध्यम से हम लोग उनको सिखा रहे हैं। जैसे समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, त्रिभुज कैसे होते हैं, चतुर्भुज कैसे होते हैं, दूसरा जैसे सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सौर ऊर्जा से हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है, जल संरक्षण क्या होता है, इन विषयों पे हमारे छोटे छोटे बच्चों द्वारा बहुत अच्छे मॉडल बनाए गए हैं। इसमें हमारे 9 ब्लॉक हैं तो उसमें सभी अच्छे जो भी मॉडल आए थे उनमें सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया। जी हाँ बिल्कुल, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार की व्यवस्था है।